हमारे पास एक ब्लॉक है एम है जिसको हमने सस्पेंडेड कर दिया बाय लेंथ ऑफ वायर लेंथ एल। ओके तो हमारे पास क्या ये वायर है जिसका लेंथ हमने क्या किया है एल किया है, इसमें हमने मास एम क्या कर दिया, इसमें सस्पेंड किया हुआ है, इसमें मास एम हमने हैंग कर दिया। ठीक है तो क्या होगा मास हैंग होगा, इसके कारण क्या होगा इस वायर में एक्सटेंशन होगा, इस वायर में जो एक्सटेंशन हुआ है वो अब ऐसा कुछ बन गया, ये मास एम हो गया ये एल हो गया, ये यहां से यहां तक टोटल लेंथ कितना हो गया एल प्लस एल हो गया। ठीक है बात बराबर है एल प्लस एल हो गया। ठीक है तो अब कह रहा है कि इसमें इसका जो हमारे पास एनर्जी इसमें स्टोर होगा, एनर्जी कितना स्टोर होगा, इलास्टिक एनर्जी कितना स्टोर होगा इसमें, क्वेश्चन पढ़ो ये कह रहा है तुम्हें इलास्टिक एनर्जी कितना होगा इसमें स्टोर। ठीक है अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट बताओ तो क्या होता है इस जो एनर्जी स्टोर होता है पर यूनिट वॉल्यूम, सिंपल सा दिमाग में रखना हमेशा, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके पर यूनिट वॉल्यूम वो कितना होता है, वो क्या होता है 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन होता है, 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन होता है। जो एनर्जी स्टोर होता है पर यूनिट वॉल्यूम, जो एनर्जी स्टोर होता है पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या होता है 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन होता है। ठीक है ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। ओके मैं यहां पर लिख देता हूं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ये। ओके 1/2 स्ट्रेस कितना हुआ, स्ट्रेस कितना है, अब इस पर फोर्स क्या लग रहा है, इस पर फोर्स क्या लग रहा है, सिर्फ एमजी लग रहा है और तो एक्सटर्नली तो अपन कुछ लगा नहीं रहे इस पर सिस्टम में, एक्सटर्नली अपन जाकर कुछ तो कर नहीं रहे, तो इसमें फोर्स क्या लग रहा है एमजी लग रहा है। ठीक है तो एमजी मान लो जो एरिया है इस वायर का वो क्या ए 1/2 एमजी बाई ए। ठीक है इनटू स्ट्रेन, अब स्ट्रेन लेंथ कितने से चेंज हुआ, लेंथ कितना से चेंज हुआ एल से चेंज हुआ, और ओरिजिनल लेंथ कितना था कैपिटल एल था। ठीक है तो समझ में आया सब कुछ। अब देखो ये हमारे पास क्या 1/2 mg small l divided by a into l, a into l क्या है वॉल्यूम है, एरिया ऑफ द वायर into ओके ये कैपिटल l है ना, into लेंथ, तो ये हमारे पास क्या होगा उसका वॉल्यूम हो गया, तो ये इसको वॉल्यूम से रिप्लेस कर दो mg small l डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल आउट हो गया तो एनर्जी कितना स्टोर हो गया 1/2 mg small l। ठीक है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा थर्ड, समझ में आया।